साथियों, जिस स्पीड के साथ में बिहार में काम हो रहा है, खास करके शिक्षा विभाग को लेकर के, तो यहाँ से सीखने की ज़रूरत है दिल्ली को भी। जी हाँ, DSSB बोर्ड को भी यहाँ से सीखने की ज़रूरत है, यूपी में भी। जी हाँ, जो बाबा जी की सरकार में शिक्षा विभाग है वो भी यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जैसे पहले BPSC ने और अब बिहार का जो शिक्षा विभाग है वो जिस गति के साथ में काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ तो है ही। क्योंकि आपने, मैंने, सभी ने यहाँ पर यह देखा है कि नोटिफिकेशन आने के बाद में वो वक्त भी है, ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर परीक्षा लेने में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक का वक्त लगता है, तो कुछ ऐसा भी है कि जहाँ पर परीक्षा होने के बाद रिजल्ट का कोई अता पता ही नहीं होता है। KVS में आप लोग देख लीजिए, है ना, और KVS की तो आखिरी भर्ती 2018 में आई थी, 5 साल बीत गए हैं, कोई नया पद वहां पर परमानेंट तौर पर भरा नहीं गया। तो बिहार में जिस तरीके से काम हो रहा है वो आप सबके लिए खुशी की बात है, जो भी बिहार में शिक्षक बनने जा रहे हैं। साथियों, ये एक लेटर जो कि आप लोगों तक भी शायद पहुंच चुका होगा, और अगर नहीं पहुंचा है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है इस पत्र को, आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं, सभी बातों का जिक्र हुआ है। इसमें जिक्र किया गया, इसमें बताया गया है कि जो निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, शिक्षा विभाग जो बिहार में है, ठीक है, उन्होंने लेटर लिखा है अपनी ओर से सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, कि बिहार के जितने भी जिले हैं और उन जिलों में शिक्षा के जो अधिकारी हैं जिला स्तर पर, उन सभी को। और इसमें जिक्र किया गया है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो रिक्त पद हैं उनके बारे में हमें बता दिया जाए। और इसके अंदर आखिरी में इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि आप सभी को यह निर्देश दिया जाता है कि इसमें कोई देरी नहीं करनी है। यहां पर मेंशन कर दिया गया है, ये पत्र कब लिखा गया था, ये लेटर, ये लिखा गया 13/9 को, और उनको ये कहा गया है कि आपको जो पहले इस संबंध में पत्र 1 और प्रपत्र 2 लिखे जा चुके हैं उनकी सूचनाएं इस पत्र के साथ में 14/9/2023 को संध्या 6 बजे तक विभाग की ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है उस पर, या जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर, या यहां पर एक नंबर भी इस लेटर में दिया गया है कि इसके व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमें भेज दें। और इस बात का भी जिक्र इसके अंदर किया गया है कि रिक्त प्रतिवेदन का सही सही आकलन कर लिया गया है, और इस लेटर में जो भी बातें लिखी गई हैं रिक्त पदों की संख्या के बारे में पता करने से संबंधित, उसको प्राथमिकता दी जाए, यानी कि तुरंत इस पर कार्यवाही करते हुए जो समय कहा गया उस समय पर बता देना है सब कुछ। तो बिहार में जिस तरीके से काम हो रहा है इससे हम लोग ये अंदाजा एक लगा सकते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग भी जल्द होगी, और आपकी ज्वाइनिंग जल्द हो जाएगी तो अगली भर्ती का भी रास्ता खुलता है, और अगली भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, और उसमें भी आप लोग पाएंगे, देखेंगे कि फिर से BPSC खतरनाक परीक्षा आप लोगों की लेगा, और फिर से आप में से कई सारे साथी परीक्षा को पास करके सिलेक्ट भी होंगे। तो बेटा लगे रहिए, बिहार में सिलेक्ट होने का मौका जो मिला है सिलेक्ट होकर के रहिए।